तो बस पब्लिक के आधार पर मुद्दे होने चाहिए, गरीब किसान और बेरोजगारों के हित में ही मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि जो संसद में बैठे हैं वो कुल मिला के एसी कमरों में बैठे हैं, उनको किसान गरीब से कोई लेना देना नहीं है। अरे पूरी सीट आ रही है, सीट कोई सीटें नहीं पा रहा है, और दल देख रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज लड़ रहे हैं आपस में सीट के लिए। चुनाव के बारे में हमने बोला है, वोट हमेशा देते हैं हम, हमें कुछ नहीं मिलता, रोजगार भी ना तो बच्चों को मिले ना हमें मिले। मोदी के बारे में क्या जीता हमें बताओ, क्या दे रहा हमें? टूटी झोपड़ी में रह रहा है, खाने को नाश के दाने देते हैं, उसके साथ में कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और उत्तराखंड की पांचों सीटों पर लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम हरिद्वार लोकसभा सीट के हरिद्वार शहर में हैं, और ये जो आप जगह मेरे साथ पीछे देख रहे हैं, मैं अपने साथी को दिखाएं, ये हर की पौड़ी जगह है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के जो बाबा रहते हैं और जो लोग आते हैं, जो लोग रहते हैं, उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को हरिद्वार सीट को लेकर के उनकी क्या राय है, देश में कौन सरकार बना रहा है, तो क्या है यहाँ के लोगों का कहना, जो बाबा यहाँ के हैं या जो दूसरे लोग यहाँ हर की पौड़ी में रहते हैं, उनसे सीधा जानेंगे क्या सोचते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में, कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? अच्छे लोग हैं, मुद्दे तो बस पब्लिक के आधार पर मुद्दे होने चाहिए, गरीब किसान और बेरोजगारों के हित में ही मुद्दे होने चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि गरीब को रोटी मिले, बेसहारा को सहारा मिले, जिसके पास छत नहीं है उसके वो उसको घर मिले, और संतों का क्या अस्तित्व है। हम तो वही कह सकते हैं ना, जो वर्तमान में सरकार कर रही है वैसे हमारे हिसाब से ठीक कर रही है, और अपेक्षा करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि गरीबों के साथ में अच्छा व्यवहार हो, पुलिस प्रशासन अच्छा व्यवहार करे, और भी अन्य सुविधाएं मिले, यही अपेक्षा है हमारी। कम से कम कि संसद में गरीबों को भी लाया जाए ताकि वो अपनी बात को रख सके अच्छी ढंग अच्छे ढंग से, क्योंकि जो संसद में बैठे हैं वो कुल मिला के एसी कमरों में बैठे हैं, उनको किसान गरीब से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। जो किसानों के बीच में आके बात करे, जो गरीबों के बीच में कहा हो, वो संसद तक जाए और कम से कम वहाँ उनकी बात रखे। हम ऐसी पार्टी, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो पार्टी कर रही है वो इस समय वर्तमान में हमको लग रहा है कि गरीबों के हित में काम कर रही है, और कुल मिला के देश की जनता के हित में काम कर रही है। कि अब जो जनता का मूड है कि 2024 में दोबारा मोदी रिपीट होने चाहिए, तो हम भी चाहते हैं, हम तो साधु संत हैं, क्योंकि वो बंदा हिंदुत्व में चुनाव लड़ रहा है और हम हिंदुत्व के ही समर्थक हैं, तो हम भी चाहेंगे एक बार मोदी फिर आना चाहिए। चुनाव नज़दीक है, लग क्या रहा है इस बार देश में कौन सी सरकार बनेगी? खाली मोदी सरकार बनेगी और किसी की सरकार नहीं बनेगी, चाहे कोई कितनी ताकत लगा दे कोई सरकार नहीं बनेगी, बनेगी सरकार मोदी सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार इंडिया में? अरे पूरी सीट आ रही है, सीट कोई सीटें नहीं पा रहा है, और दल देख रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज लड़ रहे हैं आपस में सीट के लिए। ये लोग बोले ना बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार बढ़िया थी, उसने क्या क्या नहीं किया, गुंडागर्दी फैलाई, बीजेपी सरकार हमेशा मेरी है और हमेशा ही रहेगी। हर लोगों को दिया मैंने, हर कुछ दिया, किसको नहीं दिया? आज मेरा मकान हरियाणा में योगी के गांव में, वो मकान भी छोड़ दिया। आज मेरा भाई मेरा दुश्मन बन रखा है, योगी का भाई हूँ, योगी के गांव के बगल का हूँ मैं। लेकिन आ रही है इस बार इंडिया में भाजपा की, देख अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, रब है तो सब है। बोल रही थी, बताइए चुनाव के बारे में क्या कह रही है? चुनाव के बारे में हमने बोला है, वोट हमेशा देते हैं हम, हमें कुछ नहीं मिलता, रोजगार भी ना तो बच्चों को मिले ना हमें मिले, सब पूरा सन पानी सब मिला, घर बार सब मिला, तो आज ही फिरते हम अगर हम लोगों को मिलता तो। पुलिस के और क्या डंडे खाने से मतलब हम। तो इस बार कौन सरकार जीत रहे? फिर बार आए मोदी जी, फिर मोदी जी आएगा देखना। मोदी के बारे में क्या जीता हमें बताओ, क्या दे रहा हमें? टूटी झोपड़ी में रह रहा है, खाने को नाश के दाने देते, उसके साथ में कुछ नहीं है।
बताओ, मजदूरी नहीं है, हमारे बच्चे भी ऐसे रह रहे हैं मजदूरी से, क्या करें हम मजदूर आदमी, ऐसा हम कमाने लायक हैं? बताओ, हमारी उम्र कमाने की जो हम घर घर फिर रहे हैं ठोकर खाते हैं, बताओ तुम, हम क्या करेंगे? नहीं मिल रही, हमें कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी दो धड़े दाने देंगे, गेहूँ के देते हैं, चावलों के देते, उनके साथ में कुछ नहीं, दाल नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, क्या खाएंगे हम? किसी का गोश्त खाऊं, अपने बच्चों का गोश्त खाऊं? बताओ क्या करें हम, मजबूर हैं, कमाने लायक नहीं है हम। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या रहने वाले हैं उत्तराखंड के हालात और पूरे देश के? अगर देखिए, समीकरण तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस का बहुत हल्का हाथ है और कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे ही स्वस्थ भारत के अंदर जो अपना अभियान चलाया है उसके अंतर्गत बीजेपी का ही आना तय हुआ। बाबा, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीते? मुझे क्या लग रहा है जी, मुझे क्या लग रहा है, मोदी जी जीतते हैं। कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से आया। हरिद्वार से कौन जीते? हरिद्वार से ये अपने, ये क्या नाम है इनका, कौन से नेता हैं? हाँ,